मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमन रेति में राधा और कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी तमाम रोचक बातें हैं जिनके बारे में शायद आप न जानते होंगे। आइए बताते हैं आपको बांके बिहारी मंदिर की अहम बातें। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण के भक्त थे। वे निधि वन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उन्हें राधा कृष्ण दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना कर लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधि वन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एक टक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर उसके साथ चले जाते हैं। बांके बिहारी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती बल्कि बांके बिहारी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींचता है। उसकी आंखों से स्वयं आंसू गिरने लगते हैं। बांके बिहारी की मूर्ति मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को निधि वन स्थित विशाखा कुंड से प्रकट हुई थी। बांके बिहारी की प्रागट्य तिथि को हर साल बिहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन वृंदावन में कई धार्मिक आयोजन होते हैं। बिहार पंचमी के दिन ही चरणामृत के स्थान पर भक्तों को पंचामृत बांटा जाता है। बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती साल में केवल एक दिन जन्माष्टमी को ही होती है। इस दिन बांके बिहारी जी के दर्शन सौभाग्यशाली को ही हो पाते हैं। बांके बिहारी जी के चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। मान्यता है कि इन चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेरा ही पार लग जाता है। भगवान कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास ने दिया था। भगवान कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी नहीं कहा जाता बल्कि 3 कोण पर झुकी हुई मुद्रा वाले कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होंठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष से कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाए हुए मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी कहा जाता है।